वेरी गुड मॉर्निंग। सो करवा चौथ ब्लॉग की स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है बिकॉज क्योंकि यार मुझे सुबह से क्या था, बुखार था और खांसी जुकाम था और हेडेक काफ़ी हो रहा था। सो और मैंने छुट्टी कर ली थी ऑफिस से क्योंकि बहुत सर दर्द हो रहा था और फीवर भी हो रहा था। सो जस्ट अभी मेडिसिन खा के उठा हूँ बिस्तर से, फिर अभी जस्ट नहाया धोया तकरीबन आधे पौने घंटे पहले। क्या टाइम हो रहा है? 13:45 हो रहे हैं। सो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहाया और अब थोड़ा बहुत गए थे मार्केटिंग करने क्योंकि ओही भी आ रही है तो मम्मी को सूट देना था मुझे, तो मैं ओही के लिए मम्मी के लिए सूट लेके आया। फिर जो हमारे नीचे चकदा भी हैं गणेश, उनकी वाइफ के लिए सूट लेके आए दिवाली पे देने के लिए। तो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे शॉपिंग निपटा रहे हैं, मम्मी के साथ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। फिर मम्मी ने श्वेता को दिवाली पे जो सूट दिया उसकी शॉपिंग हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो यही सब चल रहा है सुबह से। और खीर बनने के लिए हमने रख दी है, ठीक है। दूध अभी जस्ट मैं लेके आया था मार्केट, हम गए थे तो दूध लिया, तो खीर बनने के लिए यहाँ पे रख दी है। ज़्यादा दूध की खीर नहीं बना रहे, सिर्फ 1.5 किलो दूध की खीर बना रहे हैं। चावल ही अभी होके रख दिए हैं और मेवे काट लेंगे। तो बस यही सब अपडेट है छोटा सा। आज डुगू का बर्थडे भी है, तो डुगू के बर्थडे के लिए हम लेके आए एक अच्छा सा गिफ्ट, खाते हैं। सो ये वाली ड्रेस लेके आए डुगू के लिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, कलर भी बहुत यूनिक सा है। सो और इसका बर्थडे हम शाम को जाएंगे। सो ये हमने कहा है, पहले तो सोनिया कह रही थी कि बर्थडे पार्टी आज करे थे, फिर हमने कहा कि आज पास है सबका तो घर पे ही खाना बनेगा, तो हमने कहा घर पे ही खा लेते हैं, केक कटवाने में आ जाएंगे तब भी थोड़ा बहुत स्टार्टर तो खा ही लेंगे, है ना। और गुगी बाहर गया था, मैं ऐसा तो गुगी बाहर जाया बिना गाड़ी के ना, ऐसा हो सकता है? तो गाड़ी लेके आया है ना, ये देखिए गाड़ी लेके आया मैंने, है ना बाबू। आज इसकी भी छुट्टी है, इसकी स्कूल की जी। सो यही सब थोड़ा सा अपडेट चल रहा है। दिवाली की शॉपिंग हम आपको उसके लिए अलग व्लॉग बनाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगी, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ करवा चौथ का व्लॉग जाएगा ये वाला। ओके गाइस, यहाँ पे बनने जा रहे हैं पूरे व्रत के, ये इसका बैटर है और यहाँ पे बन रहे हैं पूरे। बाइना हमारा पूड़ों का पूड़ों से होता है। सो यहाँ पे बन रहे हैं पूड़े और यहाँ पे आपकी खीर हो रही है बढ़िया तरीके से रेडी। इसमें चावल वावल डाल दिया हमने अच्छे से, अभी पक रहे हैं और मेवे भी डाल रखे हैं। इस बारी बस एक कमी हो जाएगी, चिरौंजी की कमी। में चिरौंजी नहीं है बिकॉज मेरा चिरौंजी यहाँ पे मिली नहीं आसपास, और फिर सामान के जाना पड़ता है, दूर पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो इस बारी मेवे की बना लेते हैं खाली। कभी बस सिंपल भी खाना चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए फूलों का रंग कितना बढ़िया आ रहा है, गुलगुले। कुछ लोग इसको गुलगुले बोलते हैं, पता है तुझे, हैं? और कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ पूड़े, ठीक है। आज श्रद्धा की पहली बारी पूजा है, हमारे बिल्डिंग में जाएगी श्रद्धा भी तैयार होके, तो बिल्डिंग में सब लेडीज़ मिलके वो थाली जो बदलते ना वैसा ही रसम हो रही है, तभी जाएगी। तो उससे पहले अपने पूड़े लेके जाएगी, वो बहना निकलता है तो इसलिए वो बना रही है पूड़े। कितने बनाने हैं हमें? हैं 28 28 पूड़े बनाने हैं, 14 मम्मी के और 14 पूनम चाची के लिए, ठीक है। सो ये बन रहा है, देखिए यहाँ पे खीर बन के हो गई है रेडी, और यहाँ पे पूड़े बन के हो गए हैं रेडी। ये देखिए ये पूनम चाची का, ये मम्मी का, सो ये बन के हो गए रेडी। और ये थोड़े से एक्स्ट्रा बन गए, ये करी शत्ता मैं खाऊँगी तो शाम को जब व्रत खोलेगी। सो बस ये सब चल रहा है, अब थोड़ी देर में बनाएंगे पूरा खाना। अभी करने जा रहे हैं पूजा। अब गोगी चलो सोने, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ।
शायद करवा चौथ की कथा के लिए बुलाने आ गए। मैं कहीं जाकर पढ़ लेती हूँ। आप भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। बेटा गणेश जी की सुनो पहले। हाँ गणेश जी की कर लो। मैं इसमें गणेश जी यही सुना देते। यही सुना है गणेश जी के। इतना फोन भी मिला है नहीं तो मोबाइल में आ जाएगा। पहले गणेश जी की कहानी सुनो। गणेश जी की कहानी देना फोन देना। कथा ऊपर सुन के आई हूँ उसकी मैं वीडियो डाल दूंगी। एक्चुअली हमें हमारा प्लान था कि ऊपर ही सुने तो बट मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाया था। मैं पूजा कर रही थी तो मैं सोचा कि तब तक पढ़ लेती हूँ वहाँ पे सुन लूंगी। तो भी बात हमारी अधूरी रह गई थी। अब हम करने जा रहे हैं। मैं बायना निकाली थी मम्मी का। सब ये हो रहा है बायने का तैयारी। ठीक है ये तो है मम्मी का और ये है चाची जी का। ये देखिए गाइस हो गया है बायना और अब श्वेता देने जा रही है बायना सासू को। बायना है आपका। श्वेता का करवा चौथ का लुक आज का कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसकी जो चेन मैंने आपको दिखाई थी कल वाले ब्लॉग में तो ये वाली चेन है जो पहनी बड़ी अच्छी लग रही है। और ये इसका पूरा लुक है आज का। ठीक है पूरा श्रृंगार कर रखा है श्वेता ने। चल घूम ले अब तो घूम ले। ये देखिए घूमती है श्वेता को देख लीजिए आप कैसे घूम रही है ये। यहाँ पे जोरों शोरों से खाने की तैयारी कर रही है श्रद्धा से। यहाँ पे देखिए इन्हें प्याज का कद्दूकस करके रखी है और ये टमाटर हैं और ये आलू गोभी है। यहाँ पे श्रद्धा कर रही है पनीर फ्राई क्योंकि बना रही है श्रद्धा मेरे मनपसंद खाना है ना। श्रद्धा मेरा मनपसंद खाना क्या है बता। पकवान। तो मेरे लिए पकवान बना रही है श्रद्धा। ठीक है हम दोनों साथ में खाएँगे खाना। जब चांद निकलेगा तभी हम दोनों खा लेंगे। और यहाँ पे मूली भी कस रही है श्रद्धा। देखिए मूली घिस रही है बढ़िया। तो बढ़िया खाना बनेगा आपको प्लेटिंग हम अच्छे से दिखाएंगे है ना। और मैं अपना लुक दिखाऊंगा। मैंने भी ये ड्रेसअप कर लिया है कुर्ता। काफ़ी दिनों बाद ड्रेसअप किया है इस बार ये क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मैं पहन नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा आज मैं ये पहन लेता हूँ कुर्ता। और हमारा कैरम क्या कर रहा है कैरम। कैरम को भी तैयार कर दे बिकॉज कैरम की भी तो रील बनेगी एक आधी। सो कैरम को भी हम क्या कर लेते हैं तैयार कर लेता हूँ मैं। ठीक है चलिए बनने जा रहा है खाना बढ़िया। और पूड़ियाँ के लिए तेल गर्म हो गया है गर्मा गर्म बन रही हैं पूड़ियाँ। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ का देखो मन से बनाई है तो कितनी बढ़िया फूल रही है पूड़ियाँ इसकी है ना। तो ये देखिए गाइस मन से जब पूड़ियाँ बनती हैं वो बढ़िया होती हैं। ठीक है और रायता
अब हम कर रहे हैं प्लेटिंग खाने की। ये हमारी थाल है बड़ी वाली, ठीक है, ये बड़ी अच्छी थाल मिली है ससुराल से मुझे। इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं एक साथ ही। जो हमारी वाली थी वो थोड़ी छोटी पड़ती थी, इसमें सब चीज़ें एक साथ आ जाएंगी आपकी। तो गाइस ये देखिए मटर पनीर की रंगत कितनी बढ़िया बनाई है श्वेता ने, मटर पनीर। गाइस ये देखिए बढ़िया थाली हो गई है रेडी, पूड़ी है, रायता है, आलू गोभी है, मटर पनीर की सब्जी है, खीर है और साथ में मूली का लच्छा है और साथ में राइस भी हैं, वो भी हमारे बन रहे हैं। और ये देने जा रही है मम्मी को थाली खाने की। लगा हुआ है तौलिया। ये आगे मम्मा की बढ़िया स्पेशल थाली, राजभोग थाली। कैसा लग रहा है? बढ़िया। इतना मैं नहीं खाऊंगी। 56 भोग है करवा चौथ पे है। बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखिए। वाओ। पूरा अच्छे से निकल चुके हैं और हमने अपने देख लिया होगा, हमने वीडियो भी बना ली है इससे पहले वाली वीडियो में। और यहाँ इसको खिलाने जा रहे हैं मीठे की तैयारी। और ये आ गए हैं गुलाब जामुन, श्वेता को खिलाएंगे। और लो नहीं सुनिए यार, चलो गाइस तूने दिन में से कितना खाना खाया पहले ये बता। जीते रहो दिन में, पर मैंने नूडल्स खाए थे बस एक। देखो से आप प्लेट हो और अब इस टाइम भी नूडल्स ही मंगाने की बात कर रहा था। जब पार्ट सब हो गई है और अब हमारे हो गई है खाने की तैयारी। और प्लेटिंग मैंने आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी सब कुछ है। चलो अब श्वेता को पहले मैं खिलाऊंगा। ये वैसे खीर मैंने बनाई है श्वेता के लिए, है ना, कैसी है, सही है। चलो मुझे, मैं सोचता इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। बच रहे हैं एक और बहुत बैंड बच गई है गाइस। अब मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हो गया है। सो बस इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हंस रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।